Hello and assalamu alaikum everyone. My name is Muhammad Waqas Javed and welcome to my another vlog. आज के व्लॉग में हम जा रहे हैं नूरी वाटरफॉल, ये रावलपिंडी इस्लामाबाद से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर हरिपुर में वाक़ है और हमारे 2.5 से 3 घंटे लगेंगे। नूरी वाटरफॉल जाने के लिए हम मुनाल पीर सुहावा वाला रास्ता यूज़ करेंगे क्योंकि ये रास्ता शॉर्ट भी है और काफ़ी खूबसूरत भी है। तो हाँ गाइस, हम लोग चलते चलते हरिपुर में हम यहाँ से जो है ना इंटर होने वाले हैं। यहाँ तक का सफ़र हमारा काफ़ी अच्छा गुजरा है क्योंकि रास्ते में काफ़ी अच्छी जो है ना वो रोड थी। इससे आगे भी उम्मीद है जो है ना कि अच्छी रोड हो, क्योंकि मैं एक बार पहले भी यहाँ पे आया हूँ तो बहुत अच्छी रोड थी। तो यहाँ से हमने कुछ खाने पीने का सामान ले लिया है, तो अभी काफ़ी हम लेट हो चुके हैं। हम निकले तो सुबह 9 बजे थे लेकिन अभी हम काफ़ी लेट हो चुके हैं, तो अभी बगैर टाइम वेस्ट किए जो ना आगे चलते हैं ताकि हम नूरी वाटरफॉल पर टाइम से पहुँच सकें। केपीके में इंटर होते ही एक मज़ेदार सी ठंड शुरू हो गई है, हालांकि जब हम निकले थे तो काफ़ी गर्मी महसूस हो रही थी। रोड इंतहाई साफ है, इर्द गिर्द बड़े बड़े दरख्त और पहाड़ हमारे हम सफर हैं। सो गाइज, अभी हम लोग पहुँच आए हैं ये जबरी के पुल के ऊपर और अभी तक नूरी वाटरफॉल का कोई अता पता नहीं है। मैंने लोगों से पता किया है तो वो कह रहे हैं कि जबरी का पुल आप क्रॉस करेंगे तो इसके बाद आपको एक बोर्ड नज़र आएगा नूरी वाटरफॉल या आबशार का, तो जो है ना आपको आप पहुँचेंगे। फ़िलहाल मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ थोड़ा सा जबरी, ये भी एक अच्छी पिकनिक पॉइंट मतलब साबित हो सकता है अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो। ये काफ़ी नीट एंड क्लीन वाटर है, इसके किनारे आप आगे कुछ देर पिकनिक कर सकते हैं। लेकिन एक मेन चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की है यहाँ पे, ये आप देखें कि ये पुल, इसकी हालत बहुत खस्ता हाल है। अभी एक दो गाड़ियाँ इसके ऊपर आई हैं तो ये ऐसे डगमगा रहा था कि अभी ये नीचे चला जाएगा, लेकिन मैंने कहा चलो थोड़ी देर यहाँ पर रेस्ट करता हूँ और आपको थोड़ा सा यहाँ का व्यू दिखा देता हूँ इर्द गिर्द का, क्योंकि काफ़ी देर से ड्राइव कर रहा था और थक भी गया था काफ़ी। तो अभी फ़िलहाल 5-10 मिनट में यहाँ पे रुकूँगा और अभी देखना ये ट्रैक्टर आ रहा है और पुल किस तरह वाइब्रेट करेगा देखना होगा। ये देखना, ये ऐसे लग रहे हैं जैसे अभी पुल गिर जाएगा, तो कुछ देर यहाँ पर रेस्ट करते हैं और फिर उसके बाद आगे हम नूरी वाटरफॉल को दोबारा तलाश करना शुरू करते हैं। पीछे काफ़ी अच्छे बाई दे पहाड़ वगैरह भी हैं और इस टाइम धूप है इसलिए इतनी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी व्यू काफ़ी अच्छा है। तो गाइस, जबरी का पुल क्रॉस करके थोड़ी देर जो है ना हुई है, हमने अभी ये पीछे जबरी जो है ना छोटा सा वहाँ पे बाज़ार है उसको क्रॉस किया है। तो ये छोटी सी रोड जा रही है और वो जो हमारे एक भाई ने YouTube वीडियो में बोर्ड दिखाया था वो वाला, तो वो बोर्ड भी अभी तकरीबन गिरा दिया गया है। तो अब आपको सिर्फ जो है ना ये छोटा सा रास्ता याद रखना है और ये कुछ घर हैं और ये बैक से इसका व्यू है। तो ये रोड है जो आगे अब हम फॉलो करेंगे जो है ना नूरी वाटरफॉल की तरफ जाने के लिए।
यहाँ से शुरू होता है हमारा ऑफ रोड सफ़र। रोड सिंगल है और कच्ची और कहीं कहीं पक्की है। सो गाइस फाइनली हम लोग अभी ये नूरी वाटरफॉल की पार्किंग में पहुँच आए हैं। ये पार्किंग का एरिया जो ना जो यहाँ पे अवेलेबल है, अगर आप गाड़ी में आ रहे हैं तो ये लोग 100 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं गाड़ी की पार्किंग के, और अगर बाइक है आपके पास तो 50 रुपीज़। ये काफ़ी जो है ना साफ़ सुथरी पार्किंग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हिफाजत के लिए जो ना कुछ लोग भी यहाँ के बैठे हुए हैं जो यहाँ के पार्किंग का निज़ाम देख रहे हैं। तो अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ वो जगह जहाँ से हमने नीचे उतरना है, क्योंकि आगे अभी 15 मिनट्स की हाइक भी है। हाइक कैसे कह लें, यह बिल्कुल स्ट्रेट रास्ता है, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोग तकरीबन 1 बज रहा, अभी 1 बजे तक हम पहुँचे हैं यहाँ पे। तो अभी इस तरह ही आगे रास्ता, अभी मैं आपको ज़रा वहाँ पे जाके दिखाता हूँ कि कहाँ से हमने नीचे उतरना है। तो ये वो रोड है, यहाँ से आते आते आपको ये रास्ता नज़र आएगा आगे कच्चा। तो आगे हमने इसको फॉलो करना है और करते हुए नूरी वाटरफॉल तक जाना है। इस तरफ ये नीचे भी रोड जा रही है जो नीचे पार्किंग है, तो आपको इजीली पता चल जाएगा। यहाँ से नीचे टर्न करके आप लेफ्ट साइड होंगे तो यहाँ पे पार्किंग है, और ये ऊपर साथ ही यहाँ से वो रास्ता है जहाँ से हमने अब पैदल चलना है। देखते हैं अभी जो है ना हमारे पैदल कितना और टाइम लगता है। हम लोग वो जो कच्चा रास्ता था उसको फॉलो करते करते, उस तरफ का जो कच्चा रास्ता वो फॉलो करते करते आ गए, और अब यहाँ पे हम आगे पानी में फंसे हैं। अब हमें यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रही कि हमने आगे कहाँ जाना है, बिल्कुल हम लोग क्लूलेस हैं। तो ये पानी को अब हमने डिसाइड किया है कि इसको क्रॉस करेंगे और सामने जो है ना हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो अभी जूते उतारने पड़ेंगे और फिर देखते हैं जो है ना किस तरह हम क्रॉस करते हैं। गाइस इतनी सख्त खुआई के बाद, ढूंढने के बाद ये मैं नूरी वाटरफॉल पर पहुँच गया हूँ, और आपको इसका जो है ना दिखाता हूँ। ये देखें पानी बहुत बहुत इसका गहराई देखें आप जो है ना, यहाँ पे कम ही है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गहराई बहुत ज़्यादा हो रही है, और पानी इंतहाई ठंडा है। इंतहाई मैं आपको यहाँ से इसकी वही दिखा सकता हूँ कि वहाँ से बह रही है। तो अभी बहुत सारी मुझे बस ठंड लग रही है, क्योंकि देखिए पानी ठंडा है, लेकिन पानी ठंडा ब्लू कलर का पानी है। लेकिन चले हिम्मत करके आहिस्ता आहिस्ता अंदर चलता हूँ। ओ ये तो बहुत ठंडा पानी है, आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं आगे, कोशिश करते हैं आपके लिए थोड़ी थोड़ी आपको नज़र आ रही होगी। जहाँ तक मेरे रेंज में है मैं आपको देख लूँगा, एक पत्थर आ गया, अच्छा हुआ है कि पत्थर है। तो पानी दिखाई ब्लू है, ब्लू कलर का पानी बहुत प्यारा है।
आस्ता आस्ता अंदर चलते हैं। फाइनली दूरी वाटरफॉल पहुंच जाए। तो गाइस ये थी नूरी वाटरफॉल। बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी है लेकिन जब मैं अंदर गया था इतना ठंडा पानी था कि मैं अपने सर पे पानी जो है ना वो नहीं फेंक सका और ना ही ये अपने जो है ना लेग से ऊपर पानी जो है ना नहीं लेके आ सका क्योंकि बहुत सा ठंडा पानी था। लग रहा था माइनस डिग्री सेंटीग्रेड है क्योंकि देखो शेड भी है आप देख सकते हैं बाहर। हालाँकि बहुत सा गर्मी है आप देखें धूप कितनी है बाहर लेकिन मैं जब अंदर गया हूँ तो बहुत सा ठंडा पानी था। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आई होप कि आपको भी आज का मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आज का मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो ये जो मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की है तो उसके रिप्लाई में जो है ना लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को और जो ना चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरी वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो के साथ एक न्यू जगह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर।